आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पंचायत चुनाव के दौरान अराजकता फैलाने वाले 11 अभियुक्तों को जिला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर। कहा, आगामी चुनाव में उपद्रव मचाने वालों पर है प्रशासन की नजर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती ऑनलाइन परीक्षा में धांधली व फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गैंग के 3 अभियुक्तों को एसडीएफ गोरखपुर यूनिट की टीम ने किया गिरफ्तार। रामगढ़ताल थाने में मुकदमा पंजीकृत कर की जा रही है विधिक कार्यवाही। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार 5 बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल दुकानदार का चल रहा है इलाज। जांच में जुटी पुलिस। एसपी सिटी ने कहा, प्रथम दृष्टया मामला किरायेदारी के विवाद का, जल्द होगा मामले का खुलासा। जनपद में तेजी से चल रही है धान खरीद की प्रक्रिया। एडीएम फाइनेंस ने कहा, 81 वर्षीय किसान ने क्रय केंद्र पर बेची अपनी धान। क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए सभी सुविधाएं हैं उपलब्ध। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परिषदीय स्कूलों में फर्जी और अनियमित तरीके से नियुक्त शिक्षकों संबंधित बैठक। फर्जी शिक्षकों से वेतन रिकवरी के दिए निर्देश। पुलिस झंडा दिवस पर एसएसपी ने रिजर्व पुलिस लाइन में किया झंडारोहण। पुलिस झंडे को दी सलामी, पढ़कर सुनाया डीजीपी का संदेश। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के तहत जनपद स्तरीय जागरूकता एवं रवि गोष्ठी का किया गया आयोजन। किसानों को पराली जलाने से होने वाले दुश्वारियों के प्रति किया गया जागरूक। उन्नत खेती की दी गई जानकारी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने रीडिंग मेले का किया शुभारंभ। बच्चों से कराया रीडिंग। कहा, रीडिंग से पढ़ाई की गुणवत्ता को बनाया जाएगा बेहतर। एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में संपन्न हुई आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले व्यय संबंधित बैठक। कहा, शराब की बिक्री पर भी रखा जाएगा नजर। पुलिस झंडा दिवस पर पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु प्रशाली गंगवार ने पुलिस ऑफिस पर किया झंडारोहण। झंडे को दी सलामी। कहा, पुलिस झंडा पुलिस कर्मियों के बलिदान का है प्रतीक। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का सदर सांसद ने फीता काट कर किया उद्घाटन। प्रदर्शनी का किया अवलोकन। किसानों को किया प्रोत्साहित। जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक। 27 नवम्बर को निकलने वाले मशाल जुलूस के कार्यक्रम को सफल बनाने पर बनी रणनीति। और जनपद में जिला अस्पताल सहित 295 केंद्रों पर 26,680 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,487 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 20,193 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने नागरिकों से की अपील। कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का।